टेक्निकल क्यू चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हैं टेक्निकल क्यू। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाकर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरक्की को देख रहे हैं, रोज़ाना कुछ नया ही आता है। कभी बेजरलेस आ रहा है जी, कभी डबल स्क्रीन आ रहा है, कभी सिंगल स्क्रीन आ रहा है, मतलब यार मुख्तलिफ रोज़ाना नए, कुछ किसी ने नोच बढ़ा दिया जी, किसी ने नोच ख़त्म कर दिया, मतलब बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आज फिर एक नई चीज़ है, एलजी ने ऐलान किया है, एलजी एक नया सेट बना रहा है स्मार्टफोन का, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लैगशिप है और वो है G8। अब इस G8 में क्या मुख्तलिफ रखा है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने इसमें टच टेक्नोलॉजी को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने ये चाहे कि भाई टच को भी अलविदा कह दें, टच में भी हमें मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं ये आगे क्या चाहते हैं। अगर ये टच नहीं होगा, कीपैड नहीं होगा तो फिर इसमें क्या होगा, लेकिन टच से ही मुंसलिक होगा, लेकिन उस पर हाथ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको कहते हैं अपना जेस्चर टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, ये जेस्चर टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर क्या है कि मैं आपको जैसे मिसाल दे रहा हूँ, ये एक फ़ोन है, ठीक है। इस फ़ोन को आपने किस तरीके से अभी इस पर उंगली लगाते हैं, टच चलता है, तो जेस्चर के अंदर क्या है कि इसी तरीके से होगा, स्क्रीन इसी टाइप की होगी, उसको आपने टच नहीं करना है, जैसे ऐसे लगा लेना, जैसे इस तरीके से दूर से आप इसको यूं इशारा किसी भी फीचर पे, किसी भी ऐप पे, किसी भी इस पर अगर आप यूं दूर से ऐसे इशारा कर देंगे तो वो वहीं से ऑपरेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं जेस्चर, यानी कि टच को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बगैर इसको हाथ लगाए जेस्चर को चला सकते हैं। यानी कि ये जेस्चर जो G8 है, इसके अंदर जेस्चर टेक्नोलॉजी उन लोगों ने दी है। बाकी भी तो उसमें जिस तरीके से 128 स्टोरेज है और 68 GB रैम है, बहुत कुछ यानी कि डिस्प्ले वगैरह कैमरे सारा कुछ उसमें अच्छा है, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन उसकी जगह पे उन्होंने सबसे जो बड़ा और बेस्ट चेंज रखा है वो जेस्चर का रखा है। तो ये जो जेस्चर है, मेरा ख्याल है नई चीज़ है, काफ़ी अच्छी होगी शायद, ये तो कबल वक्त है, अभी फ़िलहाल उन लोगों ने ये ऐलान किया है तो हम इंतज़ार करते हैं। और दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम मुसद्दिका आप तक पहुँचाएँ मालूमात जो भी है, तस्दीक शुदा यानी कि अच्छी और सच्ची रियल। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।